दोस्तों, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। यदि आपके एक माफी मांगने से अगर आपका करियर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, तो इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स की स्टोरी जिन्होंने 2016 के चुनाव के दौरान दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा था कि ये हिटलर हैं और मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत के आए और उनका जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल खत्म हुआ, यह शख्स उनसे मिलने पहुंचा और ट्रंप ने इसकी तरफ देखते हुए वो तमाम रद्दी कागज जो एक किनारे में रखा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही सारी कागजें हैं जो बकवास बातें आपने मेरे बारे में लिखी है और कही है। इस शख्स ने तुरंत ट्रंप से माफी मांगी और इतना नहीं, सार्वजनिक रूप से आकर के भी उनसे माफी मांगी। इसके बाद उनके करियर में ऐसा अमूल परिवर्तन आया। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। ये शख्स एक पत्रकार रह चुके हैं, एक वकील रह चुके हैं, यहाँ तक कि एक लेखक रह चुकी हैं। इनकी जो पुस्तक है हिली बिली एजिली 2016 की न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर का बुक का अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ भारत के दामाद और अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट किया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट। आइए देखते हैं इनकी एक छोटी सी झलक। And the first to congratulate our great, now I can say, Vice President elect of the United States, J.D. Vance. And his absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. दोस्तों, ये 5 मिनट का वीडियो बनाने के लिए 15 घंटे का रिसर्च करके आया हूँ और जितना बेहद और जितना शानदार इनका करियर है उतना ही शानदार तरीके से मैं इस स्टोरी को रिप्रेजेंट भी करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो में इनके बचपन, इनके लव स्टोरी और इनके करियर की सक्सेस, इन तीनों टॉपिक पे करेंगे बात। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जेडी वेंस का असली नाम जेम्स डोनाल्ड बोमन है। उनका जन्म 2 अगस्त 1984 को मिडिल टाउन ओहियो में हुआ था। उनके पिता बेवरली कैरोल और पिता डोनाल्ड रे बोमन थे। वे स्कॉट आयरिश वंश के हैं। जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था। जब बोमन को उनकी माँ के तीसरे पति बॉब हैमल ने गोद लिया तो उनकी माँ ने उनके पिता का नाम हटाकर उनका नाम बदलकर जेम्स डेविड हेमेल रख दिया, जबकि उनके उपनाम जेडी को बनाए रखने के लिए चाचा के नाम का इस्तेमाल किया। उनका बचपन गरीबी और दुर्व्यवहार से भरा था और उनकी माँ नशीली दवाओं की लत से जूझती रही। वेंस और उनकी बहन लिंडसे का पालन पोषण मुख्य रूप से उनके नाना नानी जेम्स और बोनी वेंस ने किया, जिन्हें वे पापा और मामा कहते थे। आइए बात करते हैं इनके कैरियर की। 17 साल की उम्र में जेडी वेंस ने स्थानीय किराना स्टोर डिलमैन फूड्स में कैरियर के रूप में अपनी पहली नौकरी की। इसके बाद 2003 में अमेरिका नौसेना में मरीन जर्नलिस्ट के रूप में भर्ती हो गए। यहाँ वे 4 साल रहे। इसके बाद ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से बीए और फिर येल लॉ यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। कॉरपोरेट वकील और वेंचर कैपिटलिस्ट बने। 2018 में इन्होंने सीनेट के लिए पहली बार राजनीतिक शुरुआत की। ट्रंप के बेटे ने उनका नाम उपराष्ट्रपति के लिए सुझाया था। अब वे अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में। वेंस ने भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी से शादी की है। ये येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों को एक प्रोजेक्ट के साथ करने के लिए दिया गया। यहाँ वेंस की लगन देखकर उषा काफ़ी प्रभावित हो गई और दोनों ने 2014 में शादी कर ली। उषा अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की वकील है।
वेन्स उषा को अपना आध्यात्मिक गुरु बताते हुए कहते हैं, उषा उन सवालों को भी समझ जाती है जो मुझे पता तक नहीं होते। आइए बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। उपलब्धि, न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर थी उनकी किताब। उनकी किताब हिलबिली एलिजी, अ मेमोयर ऑफ अ फैमिली एंड कल्चर इन क्राइसिस, न्यूयॉर्क टाइम्स की 2016-17 की बेस्ट सेलर्स में शामिल रही है। वेन्स अमेरिका के तीसरे सबसे युवा 40 वर्ष उपराष्ट्रपति होंगे। जॉन ब्रेकनरिज 36 वर्ष सबसे कम उम्र के उपराष्ट्रपति थे। खास बात, उनके संस्मरणों पर बनी फिल्म नेटफ्लिक्स पर। सेना में नौकरी के दौरान 2005 में उन्हें इराक भेजा गया। यहां उन्होंने सेना के लिए आर्टिकल लिखे, युद्धग्रस्त इलाकों की फोटोग्राफी की। नवंबर 2020 में हुए अमेरिकी चुनावों के ठीक एक सप्ताह बाद नेटफ्लिक्स पर उनकी संस्मरणों पर आधारित फिल्म हिलबिली एलिजी रिलीज की गई थी, जो काफ़ी चर्चित रही। विवाद, कमला हैरिस को चाइल्डलेस कैट लेडी कहा था। एक बयान में वेन्स ने कहा था कि देश को चाइल्डलेस कैट लेडीज का समूह चला रहा है, जिनका इशारा कमला हैरिस की तरफ था। जेडी वेन्स ने एक सभा में दावा किया था कि हेल्थी से आने वाले अप्रवासी यहां तक के पालतू जानवरों को खा रहे हैं, हालांकि इसका कोई सबूत वे नहीं दे पाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।